हाय, वेलकम टू एफटेक कैट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 एंड 10 का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। तो टोटल जो फॉर्मूला है उसका आज हम लोग थोड़ा एक समरी बना लेंगे, पूरा सा एक समरी, ठीक है। उस समरी क्लास में जो जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो उसका थोड़ा इजी टेक्निक से हम लोग कैसे याद रखेंगे, ये लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर पूरा 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के लिए है। कोई भी बोर्ड हो सबके लिए एक ही फॉर्मूला होगा और ये बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के एग्जाम या 9th का फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्री क्या है ये जानने के लिए हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हर एक साइड का नाम दे दो, इसको दिया ए बी एंड सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका सी एंगल है 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। अब एंगल सी का ऑपोजिट में, एंगल सी का जो ऑपोजिट वाला साइड है ए बी साइड, उस साइड को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस साइड का हम लोग नाम देंगे हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग दे देते हैं कैपिटल ए, शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए। अब एक एंगल हम लोग चूज करेंगे, ये वाला एंगल का हम लोग ऐसा एक एंगल ले लेते हैं, ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल का नाम दिया हम लोगों ने थीटा। अब एंगल का ऑपोजिट में क्या आएगा, परपेंडिकुलर, क्या आएगा, परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल का हाइट, ठीक है। और एक साइड बच गया वो है सीबी। अब सीबी साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनली जो सीबी साइड बच गया ये हो जाएगा बेस। क्यों बेस है, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल का सपोर्ट करके रखा है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के साथ पैनल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। ये वाला हो गया परपेंडिकुलर और हाइट एसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने दिया पी, जस्ट याद रखने के लिए। बेस को हम लोगों ने दिया बी, जस्ट फॉर याद रखने के लिए, और हाइपोटेन्यूज है एच, ओके। नाउ अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अब पहला रेशियो क्या है, साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बी साइड एंड बी सी साइड का बीच में जो एंगल है उस एंगल हम लोग बोलेंगे थीटा एंगल। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एच। सेकेंड रेशियो क्या होगा, कॉस थीटा, सो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और थर्ड वाला क्या आएगा, टैन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टैन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा तो है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसको अगर हम लोग P ओवर H, इसका B बाई H का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा, H ओवर B, सो H H कट गया, बचा P ओवर B, सो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड रेशियो, अब फोर्थ रेशियो, सो फोर्थ रेशियो क्या होगा, कोसेक थीटा,
तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हम लोग उसको बोलेंगे कोसेक थीटा। सो उसको कैसे लिखेंगे, सो कोसेक थीटा इक्वल टू वन ओवर साइन थीटा। तो वन ओवर साइन थीटा मतलब वन ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब P ओवर H जो है ये ऊपर में जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब फिफ्थ रेशियो क्या होगा, सो फिफ्थ रेशियो इज सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब वन ओवर कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, सो वन ओवर बी बाई एच, सो बी बाई एच रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो एच ऊपर आएगा बी नीचे आएगा। अब सिक्स्थ रेशियो क्या होगा, सिक्स्थ एंड फाइनल रेशियो इज कॉट थीटा। सो कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब वन ओवर टेन थीटा। अब टेन थीटा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा रेसिप्रोकल, मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो ओवर बेस था, ये हो गया बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये छह जो रेशियो है इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे, मतलब इसको अगर सिंपल बना लेंगे एक छोटा सा टेबल में तो कैसा दिखेगा, देखो जैसे एक छोटा सा टेबल हम लोग बना लेंगे इसको याद रखने के लिए। सो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस, टेन थीटा इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस ओवर बेस, एंड फाइनल कॉट थीटा इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये जो छह रेशियो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को ये छह रेशियो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी था। अब इसके साथ और तीन फॉर्मूला जो और भी आएगा, तीन इक्वेशन फॉर्मूला आएगा, वो तीन इक्वेशन फॉर्मूला क्या होगा, पहला इक्वेशन फॉर्मूला होगा नंबर वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू वन। सेकेंड क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन। थर्ड इक्वेशन क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू वन। ये तीनों इक्वेशन फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ईजी भी है याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और भी याद रखना, कभी जरूरत पड़ सकता है, ओके ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और जो क्वेश्चन आएगा ये सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब चले जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पे। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को हम लोग कैसे याद रखें, एक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इजी एक टेक्निक है, उस टेक्निक से हम लोग इजीली इसको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ट्रिगोनो
अब इस टेबल में क्या क्या याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, देखो बहुत तो कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं इसमें, हम लोगों को जस्ट कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। एक याद रखना पड़ेगा 0 डिग्री, एक आएगा 30 डिग्री, एक आएगा 45 डिग्री, नेक्स्ट आएगा 60 डिग्री और आएगा 90 डिग्री। अब एग्जाम में हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे थोड़ा देखें, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। अब रेशियो यहाँ पे लिख लेते हैं, रेशियो तो यहाँ पे पहला रेशियो क्या है, साइन, नेक्स्ट आएगा कॉस, थर्ड आएगा टेन, फोर्थ आएगा कोसेक, फिर आएगा सेक, फिर आएगा कॉट, ठीक है। अब इसको याद भी हम लोग को रखना पड़ेगा और इजी टेक्निक से भी हम लोग इसको याद रखेंगे। ओके चलो शुरू करते हैं। अब साइन थीटा, सब थीटा अगर जीरो होगा, साइन जीरो क्या होता है, जीरो, पहला वाला जो टेबल है ना, पहला जो साइन का, इसको हम लोग याद रखेंगे, साइन जीरो क्या होता है, जीरो। उसके बाद क्या आएगा, साइन थर्टी, साइन थर्टी क्या होगा, 1/2, साइन 45 क्या होगा, 1/√2, साइन 60 डिग्री क्या होगा, √3/2, एंड साइन 90 हो जाएगा 1, बस ये याद है। अब कॉस क्या होगा, कॉस होगा पूरा पीछे से सामने तक जाएगा, तो क्या होगा, कॉस 0, 1, कॉस 30 होगा √3/2, अब आएगा कॉस 45 क्या होगा, कॉस 45 होगा 1/√2, अब आएगा कॉस 60 डिग्री क्या होगा, 1/2, अब कॉस 90 डिग्री क्या होगा, 0, ठीक है। अब आएगा टेन, टेन को कैसे याद रखेंगे, टेन थीटा क्या था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो 0/1 वो क्या होगा, दैट्स कॉल्ड 0, 0 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। अब 1/2 डिवाइडेड √3/2, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सो आएगा 1/√3, सो 1/√2/1/√2, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब tan 60 क्या होगा, √3, अब tan 90 क्या होगा, 1/0, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे ना तो आएगा वो मैथ एरर, इनफाइनाइट, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब cosec थीटा, cosec थीटा क्या होगा, sin थीटा का रेसिप्रोकल, पहले बताया था sin थीटा का रेसिप्रोकल, सो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1/0 नीचे चला जाएगा, तो किसी नंबर से जिसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। 1/0 रेसिप्रोकल वो इनफाइनाइट, 0 से किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब वो मैथ एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2, 1/√2 का क्या होगा, ओनली √2, अब √3/2 का क्या होगा, 2/√3, एंड 1/0, सो ये तो 1, ठीक है। अब sec थीटा क्या होगा, तो फाइनली sec थीटा आएगा, अगर हम लोग cos का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/1, दैट इज आल्सो 1। अब यहां से अगर उल्टा कर देंगे वो भी चलेगा, और यहां से रेसिप्रोकल करेंगे तब भी चलेगा, cos का रेसिप्रोकल भी हम लोग sec होगा, या पीछे से सामने तक भी हम लोग जा सकते हैं। सो 2/√3 जस्ट देख के पुट करेंगे, √2, ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा इनफाइनाइट, ओके।
एंड फाइनली आएगा कॉट। कॉट क्या होगा? टेन का रेसिप्रोकल। टेन में क्या है जो है उसका ऑपोजिट आएगा। सो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा इनफाइनाइट। पहले जीरो का अगर वन बाई जीरो कर देंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। वन बाई रूट थ्री क्या होगा? ओनली रूट थ्री। वन बाई वन वन। कॉट सिक्सटी क्या होगा? कॉट सिक्सटी होगा वन बाई रूट थ्री। एंड फाइनली आएगा कॉट नाइन्टी डिग्री। सो कॉट नाइन्टी क्या होगा? वन बाई इनफाइनाइट। कोई नीचे दे दो उसको आएगा हम लोग का जीरो। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बन गया। बहुत ही इजी था एंड सिंपल भी था। ठीक है, नेक्स्ट अब आएगा थोड़ा सा एंगल वाला। ये एंगल वाला ही बहुत इजी होता है नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड के लिए। याद रखना हम लोग जो सिलेबस बनाएंगे ना ये सिर्फ नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सिमिलरली कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। एंड फाइनली हम सबका प्यारा टैन एंड कॉट दिया। सो tan 90 degree minus theta is equal to cot theta and cot 90 degree minus theta is equal to tan theta। ठीक है, ये दो और ये दो, ये तीनों फॉर्मूला मतलब एक दो तीन चार पांच छह, ये छह भी आ गए। तो अगर ये टोटल जो लेक्चर में हमने जो जो फॉर्मूला डिस्कस किया है यही हम लोग का नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड में जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें है। तो आज के लेक्चर में हमने जो जो डिस्कस किया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को लेकर, रेशियो टेबल और ये वाला जो फॉर्मूला लेकर, ये हम लोग का नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड के लिए टोटल कवर हो जाएगा। तो क्लास टेन का जो हाइट एंड हाइट एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला लेकर जो न्यूमेरिकल था वो इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कोई भी बोर्ड के लिए ले लो, या स्टेट बोर्ड के लिए हो, या SBSE हो, या ICSE हो, कोई भी बोर्ड के लिए सेम ही सिलेबस रहेगा और सेम ही फॉर्मूला भी रहेगा। ठीक है, और स्टेट बोर्ड के लिए भी सेम ही रहेगा। तो लेक्चर अच्छी तरह से देख लो, खुद का एक नोट्स बना लो, कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ मेरे से पूछ लो कमेंट सेशन में, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करना और कमेंट में बताना कैसे लगा। ठीक है, और लेक्चर जो अपने दोस्तों का जरूर शेयर करना। तो बेस्ट ऑफ लक, तो थैंक यू।